झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 18 से 22 सितंबर को होगा। इस दौरान तीन कार्य दिवस 18, 21 और 22 सितंबर को बैठक होगी। एसओपी का ध्यान रखते हुए विधानसभा सत्र चलाया जाएगा। बता दें कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल ही रहा था, इस बीच कोरोना को लेकर लॉकडाउन लागू हो गया। इसी वजह से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र अपने निर्धारित समय से 4 कार्य दिवस पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। वहीं अब संवैधानिक बाध्यता के कारण 23 सितंबर के पहले विधानसभा का सत्र आहूत करना जरूरी है। विधानसभा के सत्र की प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। इसे लेकर आलमगीर आलम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत की है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। विधानसभा का मौसम सत्र 6 महीने का अवधि में चलाना चाहिए था, जो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक प्रस्ताव भेजा गया है कैबिनेट में, और ये 3 दिन वर्किंग डे उसमें है। सिटिंग अरेंजमेंट, इंट्रेंस, ये सारी बातें जो हैं देखते हैं माननीय स्पीकर साहब, इसके बारे में वही बता पाएंगे, और किन किन एजेंडा आएंगे उसके बारे में कैबिनेट डिसीजन के बाद ही बतवाएंगे। सबरंग समाचार के लिए रांची से अजय कुमार की रिपोर्ट।